आगरा पुलिस लाइन में नए और आधुनिक सुविधाओं से युक्त परिवार परामर्श केंद्र का उद्घाटन हुआ। नए परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग के लिए वातानुकूलित कैबिन बनाए गए हैं। इसके अलावा महिला पुलिसकर्मी और बाध्यकारियों के बच्चों के लिए किड्स जोन भी बनाया गया है। साथ ही केंद्र में ट्रेंड स्टाफ की देखरेख में बच्चे को रखे जाने का इंतजाम किया गया है। पुलिस लाइन में बनाए गए नए परिवार परामर्श केंद्र का एडिशनल सीपी केशव चौधरी ने शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि नए और आधुनिक परिसर में दंपतियों की निजता का विशेष ख्याल रखा जाएगा। इस परिसर में 8 वातानुकूलित कक्ष बनाए गए हैं, जहां काउंसलर दंपतियों से बातचीत कर सुलह के प्रयास करेंगे। परामर्श केंद्र का मुख्य उद्देश्य समाज में बढ़ रहे पारिवारिक विवादों का अनुभवी काउंसलर की मदद से निराकरण करना है। लगभग 5000 एप्लीकेशन साल में परिवार से संबंधित, पारिवारिक विवादों से संबंधित हम लोग के पास आता है, और उसमें हम लोग उनकी काउंसलिंग करके उनके बीच एक सामंजस्य स्थापित करके समस्याओं के निराकरण का प्रयास करते हैं, और उसी व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए जो भी परिवार यहाँ आता है हमारे ऑफिस में, कार्यालय में, उनको परिवार परामर्श केंद्र में भेज के उसकी समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास किया जाता है। इसी उद्देश्य से परिवार परामर्श केंद्र में कई व्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं को दिया गया है, जिसमें आप लोग ने अभी देखा है कि नए स्वरूप में इसका विकास किया गया है। परिवार परामर्श केंद्र 8 कक्षों में अब आगे से काउंसलिंग की जाएगी। इन कक्षों के निर्माण के पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि जब भी कोई परिवार आता है तो उसकी प्राइवेसी बनी रहे। वहीं इस नए परिवार परामर्श केंद्र में वातकारियों के बच्चों के लिए किड्स जोन का भी इंतजाम किया गया है, जहां प्रशिक्षित स्टाफ की देखरेख में बच्चे कुशलता और सुरक्षित रूप में पुलिसकर्मी और वातकारी अपने बच्चों को किड्स जोन में छोड़कर निश्चित होकर अपना काम कर सकेंगे। यहां पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक महिला केयर टेकर मौजूद रहेंगी। इस सुविधा के चलते महिला पुलिसकर्मी निश्चित होकर अपनी ड्यूटी कर सकेंगी। वहीं परिवार परामर्श केंद्र में विवाद निराकरण के लिए आने वाले दंपति के बच्चे तनावपूर्ण माहौल में अलग क्रेच में रह सकेंगे। देखा है कि एक क्रेच की भी व्यवस्था की गई है, एक कक्ष को उसी रूप में विकसित किया गया है, जहाँ पर जो महिलाएं या उनके बच्चे यहाँ पर आते हैं उनके साथ बच्चे भी रहते हैं, और वो भी उनको वेट करने के समय जब वो प्रतीक्षा करती हैं अपने बारी का, उस समय में उनके बच्चे इस क्रेच का इस्तेमाल कर सके, उनको बेहतर वातावरण में उनके बच्चों को भी यहाँ पर सुविधाएं मिले, और जो उनका समय यहाँ व्यतीत हो वो उनकी गरिमा के अनुरूप। इसके अलावा परिसर में 70 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ ट्रेनिंग हॉल भी तैयार किया गया है, जहाँ प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की जा सकेंगी। रेस्ट रूम में स्वच्छता के साथ शौचालय और अन्य इंतजाम भी किए गए हैं। इस नए परिसर के शुभारंभ से परिवार परामर्श केंद्र की सेवाएं और भी बेहतर होंगी और दंपतियों को अपने मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर DCP सिटी सूरज राय, DCP वेस्ट सोनम कुमार, DCP ट्रैफिक अली अब्बास, ACP पूनम सिरोही, आदित्य कुमार आदि मौजूद रहे। मून न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।